रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जब भी रैंडम वेरिएबल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक आपके पास इंफॉर्मेशन है जो कभी क्वेश्चन में दी नहीं रहेगी, बट आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम दैट इज वन यूनिट वन, तो ये टोटल सम आपके पास वन होना चाहिए। कितना बन रहा है टोटल सम, थ्री के सॉरी सिक्स के स्क्वायर प्लस इट विल बी फाइव के इक्वल्स टू वन। तो ये आपके पास यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिक्स के स्क्वायर प्लस फाइव के माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, सिक्स के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है, सिक्स के कॉमन लिया माइनस वन और ये बन गया के प्लस वन इक्वल टू जीरो। के नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो के की वैल्यू आ गई वन ओवर। अब आपको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो रेंडम वेरिएबल हो टू से बड़ा यानी थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है या फाइव, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, थ्री होने की प्रोबेबिलिटी के, तो के प्लस टू के प्लस फाइव के स्क्वायर, तो इट विल बी थ्री के प्लस फाइव के स्क्वायर, थ्री के यानी थ्री ओवर सिक्स प्लस फाइव बाय थर्टी सिक्स, तो ये बन गया एटीन प्लस फाइव ट्वेंटी थ्री ओवर थर्टी सिक्स, यानी ऑप्शन